नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया डिस्कशन आवर। 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद से अभी तक स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसके बाद बहुत सी घटनाएं हुई जिसको कंटिन्यू करते हुए हमारी सरकार ने कल एक सर्जिकल स्ट्राइक यानी जिसे हम एयर स्ट्राइक भी कह सकते हैं पाकिस्तान पर की। उसके बाद से लेकर अब तक जो स्थिति है बहुत गंभीर बनी हुई है और युद्ध की स्थिति लग रही है। इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में डीके चौहान, जो जनरल सेक्रेटरी हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन JNK के। उनके साथ हैं सुनील गुप्ता जी जो एडवाइज़र हैं और साथ में हैं सुदेश कुमार जी जो मेंबर हैं। ये तीनों एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन JNK के मेंबर्स हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक होता है जिसमें हमारे 40 के ऊपर जवान शहीद होते हैं, उसके बाद जो घटनाएं अभी तक चल रही थी उसके बाद एकदम से सरकार ने अचानक से एयर स्ट्राइक किया जिसे सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 का नाम भी दिया जा रहा है। उससे पहले जो बीच में घटनाएं हुई, जैसे अचानक से जितने अलगाववादी नेता थे उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, अचानक 100 के ऊपर पैरामिलिट्री कंपनीज डिप्लॉय की जाती हैं श्रीनगर में और यही कहा जाता है राज्यपाल के द्वारा कि इलेक्शन आ रहे हैं इसकी वजह से किए। क्या ये इलेक्शन की वजह से किया गया या एक सर्जिकल स्ट्राइक जो एयर स्ट्राइक किया गया उससे पहले ही पूर्व निर्धारित योजना के तहत किया गया? देखिए, ये जो पुलवामा जो अटैक हुआ है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो CRP के लड़के शहीद हुए हैं 40 जी, इससे पहले भी हमारे लड़के बहुत शहीद हुए हैं जी, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस जो प्लानिंग गवर्नमेंट का बनाया हुआ था वो इलेक्शन स्टैंड था, पर इलेक्शन का पहले तो बोला गवर्नमेंट ने 35A पे हम डिप्लॉयड कर रहे हैं, 35A का सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है जी, वो 26 को फैसला आने वाला है जी, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो BSF की 35 कंपनी और CRP की 35 कंपनी, CSF की 10 कंपनी और RTB की 10 कंपनी और SSB की 10 कंपनी हम श्रीनगर में 100 कंपनी डिप्लॉयड कर रहे हैं जी, उसमें ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं, जब आपने वहाँ पर बोला है भाई 35A को हटाने के लिए सिचुएशन जम्मू कश्मीर की खराब हो सकती है जी, और उसकी काउंटर पार्ट करने के लिए ये फोर्स वहां पर लगाई जा रही है जी जी जी, अगर फोर्स के पैर ये सिर्फ ऐसा था पूरे भारत वर्ष का जो पुलवामा में हमारे CRPF के 40 जवान जो मरे हैं वो शहीद नहीं, वो मरे हैं, गवर्नमेंट कहती है शहीद, मीडिया कहती है शहीद, पूरा भारतवर्ष बोलता है शहीद हुए हैं जी जी, लेकिन गवर्नमेंट को जवाब देना मुश्किल हो गया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सोची समझी चाल बनाई, एक वो रणनीति बनाई। अगर हमारा ये पहले ही गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए था, बिल्कुल मेरा ये पहले करना चाहिए था। हाँ जी, मैं हमें ये पूछना चाहता हूँ कि हमेशा हमारी सरकार ने अभी जो ये कदम उठाया जी, ठीक है, जो अभी कदम उठाया उन्होंने फोर्सेस की है, मेरा प्रश्न ये है क्या ये सही कदम था या ये पहले कदम उठाया जाना चाहिए था? ये पहले कदम उठाना चाहिए था जी, आज से पहले 3 महीने पहले कदम उठाना चाहिए था। ये अभी भी जो उठाया है बिल्कुल सही उठाया है गवर्नमेंट के साथ, पूरा भारत वर्ष, पूरी मीडिया, पूरी फोर्स, जितने भी एसोसिएशन रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के, क्या आर्मी है, क्या डिफेंस फोर्सेस है, क्या पूरी पब्लिक, हम सरकार के साथ खड़े हैं। क्यों, अगर कोई देश की बात आती है तो हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे जी जी, और देते रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम जी जी, हम चुप करके नहीं बैठे हुए। आज हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आर्मी के पेंशन आके बैठे हुए हैं, लेकिन जब देश पे कोई ऐसी बात आती है और हम देश के एक कदम आगे होकर चलेंगे और पूरी सरकार के साथ पूरा भारत वर्ष खड़ा है और हम भी खड़े हैं और पूरा मीडिया खड़ा है भारत के सरकार के साथ। हम चाहते हैं ये जो लड़ाई है, अगर हमारा एक जवान मरता है उसके 10 जवान मारे तो तब हमारे शांति होगी। जैसे हमारी बहनें कहीं विधवा हुई हैं, कहीं हमारे बच्चे चले गए हैं और कितना कुछ हुआ है जी, लेकिन इस सरकार ने हमारे लिए जो कदम उठाना था पहले वो बहुत लेट उठाया और बहुत अच्छा कदम है। हम सरकार के साथ खड़े हैं और पूरा भारत वर्ष खड़ा सरकार के साथ, पूरी मीडिया खड़ी है। ठीक है सुनील जी, मैं जानना चाहूंगा जो भी अभी हम लोगों ने जो ये एयर स्ट्राइक की है इसमें हमारी सरकार का कहना है कि हमारे इस तरफ मीडिया का भी बता रहे हैं कि 300 के आसपास जो उनके वहां पर लोग मारे गए हैं जो आतंकवादी कैंपों में थे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही डिनाइल मोड पर रहता है, वो कहता है हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। क्यों
जबकि वो जानता है कि पूरे विश्व में उसकी इस वक्त बहुत बुरी हालत है, बहुत बेइज्जती हो रही है, उसके बावजूद वो ये चीज क्यों नहीं समझ पा रहा या क्यों नहीं वो कहना चाहता कि नहीं हाँ हमारे यहाँ पे आतंकवादी थे। पाकिस्तान एक टेरर देश है, जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा जो इंडिया का जो है नंबर वन दुश्मन देश है, इसने आज तक हमेशा भारत के बरखिलाफ जो है नापाक कोशिशें की हैं। 1947 से लेके 99 तक का इतिहास देख लें जी। तो हमेशा इसने जो है भारत के खिलाफ जो है अपने नापाक इरादे जो है जाहिर किए हैं जी। और हमेशा इसने मार की खाई है। पाकिस्तान जो है सारी दुनिया जानती है कि उस्मान बिन लैडन जो है एबटाबाद में जी, जो अमेरिका ने आके उनको मार गिराया, उसका शव भी उठा के ले गए, और उसी के नज़दीक जो है ये अपना इलाका जिसमें कल भारत ने स्ट्राइक किए हैं वहाँ पे टेरर कैंप थे, और इसकी जो है पुख्ता जानकारी जो है हमारी सरकार को थी, इंटेलिजेंस थी। अब वहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, लगभग 300 जो है ट्रेनिंग जो ले रहे थे वहाँ पे जैश मोहम्मद के जा और हिजबुल मुजाहिदीन के, और जिसमें जो पाकिस्तान आर्मी के ट्रेनिंग देने वाले भी जो है आईएसआई के भी, मसूद अजहर के भी बड़े खास रिश्तेदार थे, वो भी इसमें शामिल थे हाँ। तो पाकिस्तान जो है अभी नंगा हो गया है, और ये कभी कबूल नहीं करेगा कि मेरे देश में जो है ये अटैक जो हुआ है इसमें जी मिलिटेंट्स जो है वो मारे गए हैं, ये हमेशा इसको नकारेगा। और सच्चाई यही है कि एयर स्ट्राइक जो हुई है वो हिंदुस्तान की तरफ से टेरर कैंप्स पे हुई है, बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे उसी लोकेशन पे हुई है, और इसमें 300 से सवा 300 जो है टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं जी। तो जो जैसे अभी कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, जो हमने एयर स्ट्राइक की, मैं आपसे जानना चाहूँगा सुदेश जी, क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी है या इन्हें अभी पाकिस्तान को और सबक सिखाने के लिए हमें और इससे ज़्यादा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, एक दो स्ट्राइक्स और करनी पड़ेंगे, हमारी जो अगली स्ट्राइक हो वो मौलाना मसूद अजहर के ठिकाने पर हो जिससे वो एक बार ख़त्म हो जाए और आतंकवाद में कुछ राहत मिले। देखो ये जो स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है, ये बिल्कुल सही कदम था जी, सरकार का बिल्कुल सही कदम था, क्योंकि जब हमारे फोर्सेज के सीआरपीएफ कैंप के सीआरपी के जवान 40 जवान एक इकट्ठे शहीद होते हैं जी, गवर्नमेंट चाहे शहीद का दर्जा दे दान ना दे शहीद होते हैं, तो उसके बाद श्री नरेंद्र भाई प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि अभी गवर्नमेंट आर्मी को पूरी छूट दी गई है, अभी कुछ भी कदम उठाए, सही कदम उठाए, तो उसके बाद ये एयर स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी हो गया था इनके आतंकवादी ठिकाने पर, नहीं तो वो इसके अलावा कुछ और भी एक्शन करते। तो इसके अलावा जो अभी एयर स्ट्राइक की है, इसके अलावा और भी सरकार को करने की ज़रूरत है जी, क्योंकि इसके अलावा भी कई जगह ठिकाने होंगे, और ये पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, ऐसी टेरर कंट्री बन चुका है, ये गलती करता है और मुकर जाता है जी। आज तक ये गलती हज़ारों गलती की है, और कभी ये सबूत मांगता, सबूत देने के बावजूद ये मानता नहीं है, इसकी तो हज़ारों एग्जाम्पलें हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चौहान जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आज उन्होंने इसको रिटेलिएट करने के लिए उन्होंने भी हमारे पर यहाँ पर अपने जहाज भेजे और हमला करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे, ये हम सब जानते हैं, और आज एक हमारा भी जो भी खबर आने सुनने में आ रही कि हमारा भी एक जहाज वहाँ पर क्रैश हुआ, उन्होंने इसको पकड़ लिया है और उसके पायलट को, क्या अब इस पे क्या रणनीति हमारे देश की हो सकती है अगली? देखो जी, हम तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं जी, पूरी फोर्सें खड़ी है सरकार के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी खड़ी है जी, और पूरा भारतवर्ष खड़ा है जी, लेकिन इससे अभी कड़ा कदम हमें उठाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर जी से, हमारी रिक्वेस्ट है ये जो कदम उठाया है इससे भी हैवी कदम उठाए, अगर 12 हमने एयरक्राफ्ट भेजे हैं उसकी जगह डबल भेजे और कड़ा पगाम उनको दिया जाए, मैसेज भारत किसी से डरा नहीं है, वो एक पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, उसको डिक्लेयर कर चुका है पूरा वर्ल्ड, लेकिन पाक हमेशा बात बात पे न्यूक्लियर बम की धमकी देता है, आप उनके बड़े बड़े नेताओं को सुने को कह रहे हैं हमने पटाखे फोड़ने के लिए शादियों में नहीं रखे हैं, और सर वो कुछ दिन पहले उसने बोला था हमारे मशहद में बोला था, एक दिखावा है उनका, हैंग नहीं सकते वो, उनको पता ही मुट्ठी भर देश है हमारा, मुट्ठी भर है वो,
वो क्या करेंगे? सर धमकी, गिदड़ धमकी जो होती है वो गिदड़ धमकी दे रहे हैं भारत को, लेकिन भारत डरने वाला नहीं है जी। भारत अगर चाहे वो एक 5 मिनट का काम है, अगर फोर्स को ऑर्डर दे दे प्राइम मिनिस्टर और पूरा पाकिस्तान 5 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन जे कुछ ऐसी बनी हुई है स्थितियां, हम नहीं चाहते। बात जब जंग शुरू होती है दोनों का, उनका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और हम चाहते हैं शांति से वारदात की जाए और इससे दोनों देशों का फायदा है। लेकिन जे पाकिस्तान बार बार टेररिज्म अगर इंडिया में भेजता है, हमारे कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे इंडिया में भेजेगा, तो हम चुप करके बैठने वाले नहीं है। हम अगर उनका 350 मारे हैं, हमारे 12 एयरक्राफ्ट गए थे, डबल में कहता हूं प्राइम मिनिस्टर को, डबल एयरक्राफ्ट करके वहां उनके कराची में अटैक करना चाहिए, जहां जहां मिलिटेंट के अटैक मने हैं, हमारे एजेंसियां बता रही हैं, वहां पर अटैक करना चाहिए। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है जी। नहीं तो जी हमारे इंडिया को जीने नहीं देगा। अच्छा हाँ। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जैसे हमारे देश में जब भी कोई हमारे देश के खिलाफ बोलता है जी, किसी और कंट्री की नहीं बात करूंगा, अपने देश की बात करूं, हमारे देश के खिलाफ बोला जाता है, तो हम उस पर कभी देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है, उसको कड़ी सजा मिलती है। लेकिन कुछ हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के लीडर भी हैं जो हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं, ऐसा क्यों है कि उनके सम उनको जब पकड़ने की बारी आती है तो हमारी सरकार बैकफुट पर चली जाती है, जबकि बाकियों को पकड़ने के लिए वो जो कदम उठा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि ऐसा क्यों है कि जब कुछ बड़े बड़े नेता या कुछ ऐसे लोग जो हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं या जिसे हमारी सेना का मोरल डाउन होता है या साथ हमारे पड़ोसी मुल्कों को से फायदा मिलता है, उन पर एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए जी, ये पॉलिटिशियन है, भारत सरकार की पॉलिटिशियन है, और हमने बीजेपी गवर्नमेंट को 25 MLA जम्मू कश्मीर वालों ने दिए, जो पहली बारी जिंदगी में पहली बारी हमारी साल से 25 MLA इनको दिए हैं और इन्होंने साथ होके उनका साथ दिया है जी। जो लड़के हमें पत्थर मारते थे, हमारे पर गर्म पानी फेंकते थे, हमारे जवानों पे, और उन लोगों को इन लोगों ने छोड़ा, 10,000 पत्थर मार छोड़ा जी। जी बिल्कुल। उस टाइम सरकार कहां सोई हुई थी? सेंटर वाली होम मिनिस्टर ने आके जहां पर छोड़े, और मुक्ति महबूबा ने साथ होके जी नहीं, ये बच्चे हैं और इन लोगों को हम नौकरियां दे रहे हैं, फोर्स के अंदर भर्ती कर रहे हैं, और इनके लिए क्या कुछ नहीं हमने किया, हमें जम्मू के अंदर हमारा राशन बंद कर दिया और उनको पूरा राशन मिल रहा है। किसी राजनीति ने ये बाज उठाई, किसी बीजेपी वाली ने उठाई ये बाज, किसी ना कांग्रेस ने उठाई ना बीजेपी ने उठाई। आज हमारे जो जम्मू कश्मीर के सबकी पहली जमीन तो नहीं है जी, जी बिल्कुल सबकी नहीं है, नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया हमारे लिए? हमारे जो लोग हैं, गरीब परिवार है जो दूसरे हैं, आज इनका राशन भी इन्होंने बंद कर दिया है और श्रीनगर को जाके फुल राशन दे रहे हैं, सब्सिडी पे दे रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, 20 से 1 है। लेकिन ये कड़ा कदम उठाना चाहिए था, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो बंदे इन्होंने रेस्ट करके अंदर रखे हुए हैं, अगर किसी पे हम अपने डिफेंस के लिए कर सकते हैं, अपना डिफेंस पहले सबसे पहले जरूरी है, लेकिन इन्होंने नहीं, लेकिन ये ठोकने चाहिए, देशद्रोही है, इन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनको अंदर ठोकना चाहिए। क्या वो सरकार का कोई भी नुमाइंदा है, जहां हिंदू है, जहां मुसलमान है, जहां सिख है, जहां ईसाई है, जो देश के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ है और डट के खिलाफ करेंगे और बताएंगे लोगों को ये देश का दुश्मन है। और ये कदम पहले उठाने चाहिए थे, उन्होंने बहुत लेट उठाए, ये पूरी सरकार की गलती है जी। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी पीछे काफ़ी पत्थरबाजों को छोड़ा गया कि इनको एक मुख्य धारा में आने का मौका दिया जाए, लेकिन जितने भी हमारे फोर्सेस के लोग हैं, चाहे पैरामिलिट्री के हैं या आर्मी के, जिन पे केसेस चल रहे हैं या कुछ उनमें से जेल में भी हैं, इन बंद हैं, उनके खिलाफ क्या कोई सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या उनको भी ये नहीं सोचे कि हम उनको भी छोड़ा जाए? अगर हम पत्थरबाजों को छोड़ रहे हैं तो उनको भी छोड़ा जाए? बिल्कुल, उनको छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी हमारी सरकार को तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हमारी जो फोर्सेज हैं, क्या उनकी कोई ऐसी रणनीति है कि सरकार से बात करने के लिए कि उनको भी छोड़ा जाए? बिल्कुल, ये एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, इनका यही काम है कि जो हमारे भाई जो किसी किस्म की कोई इनको तकलीफ है उनमें उनकी पूरी मदद करनी है जी। अभी फिलहाल जो कुछ लोग तो तिहाड़ जेल में भी बंद हैं, सुनने में आया है, लेकिन अभी जो महबूबा मुफ्ती को आज सुबह डिटेन किया गया, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, आपको नहीं लगता जैसे महबूबा मुफ्ती देश के खिलाफ बयान देती तो उनकी पार्टी या कोई भी पार्टी, अगर एनसी हो, पीडीपी हो, जो देश के खिलाफ बयान देते, जैसे पीछे बयान दिया था महबूबा मुफ्ती ने कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इनकी पार्टीज को ही डिसॉल्व कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को।
बहुत जल्दी से पहले लेना चाहिए था, ये तो अभी ले रहे हैं ना, अभी लिया नहीं, इनको लेना चाहिए था, पहले ही लेना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत है जो देश के खिलाफ इस वक्त देश के ऊपर जो गंभीर समस्या गुजर रही है, और इनको एकमुठ होकर हर पार्टी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाल पार्टी जो इंडिया की है वो एकमुठ होनी चाहिए इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या वो राहुल गांधी है, क्या फारूक अब्दुल्ला है, क्या अमर अब्दुल्ला है, क्या मुफ्ती महबूबा है, देश के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। अभी इस वक्त ऐसी स्थिति युद्ध की स्थिति बन चुकी है, और पूरे भारत पूरा देश 40 कंट्रियां इंडिया का साथ दे रही हैं नरेंद्र मोदी जी का, और पूरे भारत वर्ष को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। ये जो समस्या है इनको अगर ये देशद्रोही का इनके खिलाफ मुकदमा शुरू करना चाहिए। सुदेश जी, हमारे सरकार के जो हमारी सरकार नहीं कहूंगा, जो हमारे यहाँ की पार्टीज है उनमें से कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि जो बाहर कश्मीरी जो बंद है जेलों में उनको वापस जम्मू कश्मीर की जेलों में शिफ्ट किया जाए, क्या आपको लगता है ये सही कदम होगा? नहीं, ऐसा है जो पहले तो उन्होंने जो बाहर भेजे हैं कैदी बना करके, तो उन्होंने सोच समझ के सरकार ने भेजे होंगे किस तरीके से, वो हो सकता है जहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दे इस जेल के अंदर ही कुछ एक्टिविटी कर दे, क्योंकि जेलों के अंदर पहले भी कुछ कार्रवाई हुई है, मोबाइल पकड़े हैं, सिम पकड़े हैं, दूसरे तीसरे और कई चीज़ें पकड़ी हैं। तो मेरे ख्याल में जो अगर गवर्नमेंट ने जो कदम ले रखा है या सरकार ने जो कदम दूसरी जेलों में किया है शिफ्ट उनको, तो सही कदम है वो। ठीक है सुरेश जी, आप जैसे आप सब पैरामिलिट्री में रह चुके हैं, जो अभी हालात बने हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ, जो अभी सिचुएशन चल रही है, आप इसको कैसे एज ए एक पैरामिलिट्री फोर्स के जो जॉब कर रहे हैं उस नज़र से आप कैसे देखते हैं इस हालात को? हालात इस वक्त तनावपूर्ण है और हमारी फोर्सेस का मोराल बहुत हाई है, और हमारी फोर्स जो है बड़ी सक्षम है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। और इस वक्त जो इसके साथ फोर्सेस तो अपना काम करेंगी, लेकिन इसके साथ बड़ी ज़रूरत है कि जो देश के अंदर हमारी सिविल सोसाइटी है ये अपना भाईचारा जो है बना के रखें, ताकि हमारी सेना जो है वो एक तरफ एक ही उद्देश्य से जो है चले कि यह सामने जो दुश्मन है इसको मारना है, और हमारे देश के अंदर यहाँ यहाँ कहीं पे भी आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको ढूंढ के निकाल के जो है ख़त्म करना है। सही बात है, जो आतंकवादी है चाहे देश के अंदर है चाहे देश के बाहर है, उनको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। अगर टेररिस्ट तो इन्होंने इतना पीछे कर दिया है जे एंड के को, इस मिलिटेंसी की वजह से जे एंड के आज से मतलब 20 साल पीछे हो गया, तो इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है चाहे देश के अंदर है चाहे बाहर है। जी बाकी आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या हमारे दर्शक भी समझ गए हैं आप क्या कहना चाहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात बने हैं बहुत गंभीर हैं, लेकिन इन सब के बीच में पिस रहा है वो इंसान जो बॉर्डर पर रह रहा है, जिसको कभी भी सरकार कहती है कि उठो और गांव खाली करो और जाके बंकर में चले जाओ या कहीं कम्युनिटी हॉल में चले जाओ। एक जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के जम्मू के मैं स्पेशली जम्मू के नागरिक होने की नज़र से आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मतलब वो तक विस्थापित अपनी शहर अपने गांव में विस्थापित बन के रह गया। देखो जी, ये जब पिछले थोड़े दिन 2018 में जो चली शर्लिंग चली है कठुआ से लेके पूरे बॉर्डर्स पे, जी यहाँ पर हमारे राजनाथ सिंह जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीएमओ मिनिस्टर, इन्होंने विजिट किया था हर आरसपुरा का, सांबा का, कठुआ का, और इन्होंने किया था इनको 10-10 मरले का, 5-7 मरले का प्लाट हम पीछे देंगे जी। लेकिन बड़ी दुख की बात है, बातें कर दिया इन्होंने, बड़ी बड़ी बातें कर दिया, अभी तक वो इनको प्लाट नहीं दिए। फिर बोला इन्होंने हम बैंकर बना रहे हैं पब्लिक के लिए, जब कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है शर्लिंग होती है उस बैंकर में रहेंगे जी। आज तक वो बैंकर नहीं बने। जब भी कोई पीसा जाता है तो बॉर्डर वाला जो पीसा जाता है, आप बताइए उनके मलेशी जानवर हैं और कहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, कोई जम्मू में पढ़ता है, कोई आरसपुर में पढ़ता है, कोई बिश्नाह में पढ़ता है जी। जब फायरिंग होती है बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, खराब हो जाती खराब होती है। आप देखो हमारे जो बच्चे हैं, बड़ी कॉमन बात सोचने वाली है, सरकार ने आज तक कुछ नहीं सोचा इनके बारे में। हमारे बच्चे जो बॉर्डर एरिया के हैं उनके लिए पढ़ाई में इतनी सख्ती की हुई है, +2 में जी कश्मीर के अंदर
मैनेज प्लस करके उनको घर बैठा के पेपर कराते हैं, शड़े हम नकल मरवाते हैं, और शक्ति किस पे? हमारे जम्मू पे है। ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है। आज जम्मू के लड़कों को, बच्चों को मैरिट नहीं मिलती। मैरिट किसको मिलती है? श्रीनगर के बच्चों को मिलती है। एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती, दो हाथ से ताड़ी बजती है। सरकार उनकी है। जब फैसला हुआ था बीजेपी के 25 एमएलए अपने दिए, इन्होंने क्या किया हमारे लिए? अगर आपने जम्मू के लिए कुछ सोचा होता, आज इनके साथ हम खड़े रहते। लेकिन फिर भी आज जो स्थिति बनी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरे भारतवर्ष की, हम इस सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जो बॉर्डर पे हमारे रह रहे हैं बुजुर्ग, आपने पिछली बारी देखा होगा, मीडिया पूरी घूमी है बॉर्डर पे, कैसे उनके जानवर पड़े हुए हैं, कि इनके डेड बॉडीयां पड़ी हुई हैं, हैं कोई मंत्री नहीं वहां जा रहा, पीछे पीछे रह रहे हैं। हम उनके साथ गए हैं, मीडिया के साथ कॉपरेट किया, मीडिया को लेके गए हैं, एलओसी जीरो लाइन पे गए हैं, आपके चैनल वालों को मैं जीरो लाइन पे लेके गया था, उनको दिखाया, घर दिखाए, शाम का विलेज है जहां पर लड़के की 17 साल का लड़का था जिसकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनके पूरे घर के पड़े, पूरे जीरो लाइन पे उनको लेके गया। मैं आपके चैनल का, भक्त इंडिया का और सहारा बलम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, हम उनको साथ लेके गए, उनको पूरा कॉपरेट किया, पूरे बॉर्डर का विजिट कराया। और मैंने उस टाइम भी बोला था भाई जो हमारे जम्मू के जो लोग हैं, जो बॉर्डर के लोग हैं, इनके लिए बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम आ रही है और इनको प्लीज पीछे शिफ्ट किया जाए और इनको साथ साथ मरले का प्लाट दिया जाए। और हमारी सरकार ने वादा किया है लेकिन वो अभी तक वादा नहीं पूरा हुआ। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि देश हित से ऊपर कोई चीज नहीं होती है। बिल्कुल। अब जबकि हालात ऐसे हैं तो बॉर्डर पॉपुलेशन जो है वो लोग जो है पूरा साथ दे रहे हैं और देश के हित के लिए उनको जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो करेंगे और वो आराम से जो है पीछे आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जो सिविलियन है बॉर्डर पर, जी जी, वो भी हमारे जो है पूरा देश के साथ खड़ा है, देश के साथ है और हमारी फौज के साथ खड़ा है। बिल्कुल, वो इस वक्त हमारे को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और कोई ब्लेम नहीं करे गवर्नमेंट को, अभी हमारे को आप पीछे नहीं ले गए या कोई मदद नहीं करी, इस वक्त वो हमारे पूरे देश के साथ खड़े हैं। जी, लेकिन जैसे चौहान साहब ने भी एक बात उठाई कि बच्चों की पढ़ाई की, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई सफर करती है। पढ़ाई इस सिचुएशन में पक्का सफर होती है, पढ़ाई देखो उनका सफर होगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर साल में 6 महीने ऐसी सिचुएशन बनती है तो बच्चों का सिलेबस कवर नहीं होगा, जो मेरिट लाना चाहते हैं बच्चे वो नहीं ला पाएंगे। हाँ, होती मेरिट होती नहीं सर, मेरिट कहाँ से बनेगी? मेरिट तो बनेगी पत्थरबाज वाली। मैं यही चीज आपसे पूछना चाहता था। हाँ जी, मेरिट बनेगी श्रीनगर पत्थर मारने वालों की, जम्मू वाली मेरिट कहाँ से बनेगी? अब जहाँ पर स्ट्राइक होती है, अब जो एसोसिएशन जब आ जाती है बॉर्डर की, हम पूरे बॉर्डर के हमारे साथ खड़े हैं, वो कॉपरेट करते हैं, पूरी पैरामिलिट्री आर्मी के साथ कॉपरेट करते हैं, वो जब भी उनको तलाश मिलेंगे डीसी जम्मू देगा, वो पीछे आ जाएंगे। लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो खराब हो गई नहीं, अभी सेशन चल रहा है, पेपर हो रहे हैं, तो वो कहां से मेरिट में आएंगे? बच्चे बेनिफिट कौन ले रहे हैं? श्रीनगर वाले, जम्मू वाले को क्या मिलेगा? यही बात करना चाहता है कि अभी देखा जाएगा, हम एक एवरेज बात करें तो कश्मीर के 60-70% बच्चे जम्मू में आके पढ़ते हैं, जम्मू से बाहर पढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे वहाँ जो जम्मू के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे जैसे एनआईटी वगैरह में जाते हैं, बड़े 5% 10% ही जाते होंगे, 10% बहुत ज्यादा है, फिर भी श्रीनगर को एम्स चाहिए, आईआईटी चाहिए। क्या ये बेटर नहीं है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि कश्मीर में माहौल खराब है, तो हम जम्मू में ही करें ताकि जिसको पढ़ना है वहां तो वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज हर दूसरे दिन वहां पे बंद रहता है। तो क्या ये जस्टिफाई है कि आप हर चीज को दो दो बार बांटो? गवर्नमेंट को चाहिए इसका, इसको अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। और ये जो फैसिलिटी आपने बताई है एम्स की, आईआईटी की, जहाँ बहुत पहले अभी इन्हें शुरू की है, जो पहले दिन चाहिए थी, ताकि पहले से बच्चों का मेरिट नहीं बन पाता। और कई हमारे जो बॉर्डर ये पब्लिक है, जो रहते हैं जो गाँव में लोग, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को बाहर पढ़ा सके। जी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। एग्रीकल्चर लैंड है, वो भी थोड़ी बहुत खराब कर देते हैं फायरिंग के दौरान। जब भी धान की फसल पकती है तो फायरिंग हो जाती है, खराब हो जाती है। गेहूं की फसल पकती है तो उस समय फायरिंग कर देते हैं, खराब हो जाती है। जितना उनको मिलना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड का मुनाफा, उतना नहीं मिल पाता। तो सोर्स ऑफ इनकम का वही है, जॉब इतने है नहीं, एजुकेशन इतनी है नहीं जी, इसलिए ये बहुत पहले होना चाहिए था, जहाँ अभी शुरू हुआ है। आपके कहना है इस बारे में? देखिए, ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, सबसे पहले होनी चाहिए थी। अब जो हम मांगते हैं, एम्स की बारी आती है, श्रीनगर वाले ले जाते हैं, सरकार फिर बोलती है जी जम्मू वालों को हम दे, वो टाइम लगता है उसका, बहुत पीरियड। लेकिन जितना फंडिंग आता है जहाँ पर,
जी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. हमारा डेलीगेशन दिल्ली में गया जी, और जहाँ के एमएसओ एमएम मिनिस्टर श्री भूषण लाल डोगरा जी जी एससी बोर्ड के एडवाइजर चेयरमैन वो हमारे साथ गए. हमारे जम्मू कश्मीर के जम्मू के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं था मिल रहा जी. मैंने वहाँ के मिनिस्टर को बोला सर हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा. बोलता है मैंने पैसा बहुत भेजा है. मैंने कहा कहाँ पर पैसा भेजा है. आप मंत्री जी को पूछा, मंत्री जी बोलते जी चुप करके बैठो जी, आप प्लीज ऐसे शरक रहे आप बैठे हो. लेकिन वो बच्चों का जो पैसा हमारे जम्मू के बच्चों का जो स्कॉलरशिप है वो श्रीनगर वालों को मिल रहा है, हमारे बच्चों को मिल नहीं रहा. देखने वाली बात है. और वहां से हम जब पूछा डायरेक्टर साहब को पूछा, डायरेक्टर साहब बोलते भाई ऐसा है पहले सिविल जो प्राइवेट कॉलेज है उनको देना पड़ेगा पहले, उसके बाद गवर्नमेंट के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको बाहर देना पड़ेगा. हमारा पैसा वहां से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेज रही है स्कॉलरशिप का, यहाँ बच्चों को मिल नहीं रहा. ये बोलते हमारे पास है ही नहीं है, वो श्रीनगर वालों को कहाँ से मिल जाता है. इतना बड़ा देखभाव कर रहा, भेदभाव चल रहा है. तो ये लोग सरकारों को सोचना चाहिए. और जो ऐसी सिचुएशन जो बन चुकी है ये किसने बनाई है, ये सरकार ने बनाई है, हमने नहीं बनाई. हम पहले आज से 20 साल पहले बिल्कुल ठीक ठाक था जम्मू कश्मीर, बिल्कुल ठीक था. पंजाब के अंदर मिलिटेंसी जब शुरू हुई है 84 के अंदर जी, उससे पहले और किसने ख़त्म की, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ख़त्म किया है. काम कोई करता है स्टेटस कोई ले जाता है. काम आप कर रहे हो स्टेटस आपका दूसरा ले जाएगा, लेकिन काम वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स ने किया स्टेटस दूसरा आदमी ले गया. लेकिन बस कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है. और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हर दफा इस देश के साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के रही है. अभी भी देख लो आप बॉर्डर पे चले जाए, विजिट करें, बीएसएफ पूरे बॉर्डर पे तैनात है और दुश्मन के साथ वो लड़ाई लेने के लिए तैयार है. पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार है, जो रिटायर आए हैं वो भी हैं. अगर एक हमारा जवान मरता है हम उसके 10 जवान मारते हैं. और करके दिखाया हमने, गुरनाम सिंह जी को शहीद किया रामगढ़ सेक्टर सॉरी हीरानगर सेक्टर में, उसका बदला लिया दूसरे दिन लिया हम. हमने उनके 10 पोस्टें बर्बाद किया था पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, और की ग्राउंड के बीच किया है. पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास बहुत जोश है और उसकी पब्लिक भी हमारी सपोर्ट करती है, बॉर्डर के रहने वाले उनके सपोर्ट करते हैं कि वो हमारे भाई हमारी माँ है, हमारे बहन है, हमारा सारा परिवार है पूरा. हम परिवार छोड़ के आते हैं लेकिन वही उसी को परिवार हम मानते हैं जो बॉर्डर की जनता 3 किलोमीटर के अंदर बैठती है, रहती है, गाँव है, वही हमारा सब कुछ है. क्यों हम उनकी रक्षा करते हैं, वो उनके साथ मिल मिलाप करते. आज पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोई बातचीत होती है सबसे पहले वो वहाँ के जन ब्लड लड़के वो आगे खड़े रहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ. भाई साहब हम आपके साथ हैं, आप हमें हथियार दो, हम आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के साथ. एक मारते हैं हम उनके 10 गिराते हैं और गिरा के छोड़ते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है. आम अभी जो मिलिटेंसी जो अभी जो शुरू हुई है बाद ये गवर्नमेंट ने पहले करनी चाहिए थी, बहुत पहले जी. जे श्रीनगर के अंदर जब से बीएसएफ निकाली है उसके बाद मिलिटेंसी जब जे सरकार आई है पीडीपी की, और इतनी मिलिटेंसी बढ़ी है बहुत ज्यादा, मिलिटेंटों को बहुत ज्यादा सिर पर चार दिया था. आज सरकार ने ये जो किया है कदम लिया है, आज से पहले 5 साल पहले लेना चाहिए था कदम, और बहुत अच्छा कदम. हम पूरा 12 वर्ष इस गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और इस स्थिति जो बनी हुई है इस वक्त पूरा हिंदुस्तान इसके साथ खड़ा है, सरकार के साथ पूरी हिंदुस्तान की फोर्स खड़ी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी है और पुलिस इनके साथ खड़ी है, मीडिया पूरा इनका सपोर्ट कर रहा है. और हम चाहते हैं ये जो की है सर्जिकल स्ट्राइक इसे डबल होनी चाहिए, तब मजा कहते हैं तब मजा आएगा. जय हिंद जय भारत. तो आपको लगता है कि अब जो पैरामिलिट्री फोर्स अब 14 साल के बाद तकरीबन हमारी स्टेट में डिप्लॉयड हुई है, ये ओनली बीएसएफ ये आपको लगता है कि आतंकवाद का अंत है? अंत है जी, बिल्कुल अंत है. और हमने किया है श्रीनगर के अंदर किया है जी. जब बीएसएफ डिप्लॉयड थी इतना नहीं था जितना अभी हुआ है, और अभी बीएसएफ फिर डिप्लॉयड की है. और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी बड़ी जल्दी खत्म हो और दुनिया जो राम से टूरिस्ट बाहर से आएगा ताई हमारी स्टेट को कुछ मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. तो दर्शकों आपने देखा ये एक्स सर्विसमैन जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, इनका इनका जोश इनकी हिम्मत बहुत ज़्यादा है. और आप सोचिए जो इस वक्त जवान ड्यूटी पर दे रहा है उसमें कितनी हिम्मत और कितना जोश होगा. उम्मीद कर रहे हैं हमारी स्टेट से जल्दी आतंकवाद खत्म होगा, और जिस तरह से अभी स्ट्राइक्स चल रही हैं सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक ऐसी स्ट्राइक्स आगे भी रहेंगे ताकि जो जितना भी आतंकवाद है हमारे पड़ोसी देश में वो नेस्तनाबूद हो जाए, खत्म हो जाए.
पता नहीं पाकिस्तान को कब यह अकल आएगी, कब यह समझ आएगी। हमें उस वक्त का इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए वक्त इंडिया। नमस्कार।